सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो गाइस, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं अभी प्रेजेंट में, एंड आपने ना अपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो आई एम सीइंग अब आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपको बहुत लव केयर देंगे, ठीक है। वे भी अपना 100% देंगे इस रिश्ते में, एंड आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे इस रिलेशनशिप में। अब वे भी अपना मतलब इस रिलेशनशिप में वे भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके पर्सन इस रिश्ते में हार्डवर्क करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, क्योंकि गाइस आपने जिस तरह से इस इंसान को अपना प्यार केयर दिया है, आपने इस रिलेशनशिप में हर एक चीज़ लगा दी है, जी जान लगा दी है ना, तो अब ये पर्सन भी वही करेंगे, ठीक है। वी लो फॉर्च्यून। सो गाइस आई एम सीइंग हियर, अगर आपके पर्सन आपको पास्ट में आपके मतलब इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी, तो अब ये ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म होगा। इस रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस आएंगी, ठीक है। 1-2 मंथ लग सकते हैं या 3-4-5 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड परमानेंट आपके आपके साथ रहेंगे, ठीक है। सो गो विद द फ्लो करेंगे ये पर्सन अब, क्योंकि गाइस भाग्य का जो पहिया है ना, वो आपके टूवर्स पड़ रहा है, बढ़ रहा है। ऑल्सो गाइस आई एम सीइंग यर, आप अपने पर्सन के साथ ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऑल्सो हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ कर्म बंधन में हो जो इस जन्म में पूरा कर रहे हो, तो पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ से जो आपका साइकिल चलता रहा है ना, आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है या उनके जीवन में ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कोई और अलग सा फैमिली, अगर आप मतलब अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपके पर्सन का एक और मतलब अलग दुनिया है, तो वहाँ से जब ये अपने बर्डन को ख़त्म करेंगे, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जब वो फिनिश करेंगे ना वहाँ से, तो ये पर्सन है ना सीधे आपके पास ही आएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको ना स्टेबिलिटी देंगे। ऑल्सो गाइस ये पर्सन है ना चाहते ही है कि आपको स्टेबिलिटी देना, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है कि ना जब ये खुद स्टेबल होंगे तब ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट में आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो, तो बहुत जल्द ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कांटेक्ट की सिचुएशन मतलब बनने वाला है। तो ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन ने फिलहाल अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है, मीन्स आइसोलेशन में चले गए हैं, तो आप इस पर्सन का बिल्कुल भी मतलब गलत मीनिंग ना निकालें, लाइक वो आपसे प्यार नहीं करते एंड आपका उनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस। आप दोनों का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि ना भले ही आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेशन में रखा है, बट इस टाइम भी ये पर्सन आपको 24/7 सोच रहे हैं, ठीक है। द हार्मिट। सो सी गाइस, ये पर्सन ना आपको बहुत बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं एंड पागल से हो जाते हैं, एंड आपको लगता है कि ये आपको भूल गए हैं। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। द स्टार। वाओ, सो ये पर्सन यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ना विश की तरह ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे, मांग रहे हैं भगवान से, ठीक है। एंड अब दोनों के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो ठीक हो जाए, तो ये सब प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। सो गाइस जैसे कि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था ना, तो आपके पर्सन एंड आप दोनों के बीच एक बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट चेंजेस मतलब इम्पॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो मुझे 5 मंथ या 6 मंथ में हो सकता है।
एनी चेंजेस ना एक पॉजिटिव चेंज होगा। आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिख रही है गाइस। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा, ठीक है। एट ऑफ कप्स गाइस, आपके लाइफ में सब कुछ है बट इस पर्सन की कमी है। सेम आपके पार्टनर के लाइफ में भी सब कुछ है बट आपकी एनर्जी मिसिंग है गाइस। कहीं ना कहीं आप दोनों ना एक दूसरे के बिना लोनली फील करते हो, मुझे दिख रहे हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सो आई एम सीइंग हियर आप दोनों के बीच सिचुएशन 6 मंथ के अंदर ठीक हो जाएंगी। बहुत लोगों के 6 वीक के अंदर सिचुएशन स्टेबल हो जाएंगी। आप दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, अब ये स्ट्रगल ख़त्म होगा, ठीक है, लव लाइफ में। एंड ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ मैं गाइस आप दोनों का। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो क्लेम दिस एनर्जी, टाइप एंजल नंबर 222।